बाई की कहानी लेकर आई हूँ, साथ में उसका आपको कैसे उद्यापन करना है, उद्यापन किस प्रकार करना है उसकी विधि भी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पोपा बाई की कहानी। दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया माई थी जो सभी प्रकार के व्रत पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसने कभी अपने जीवन में पोपा बाई की कहानी नहीं सुनी थी। कुछ समय बाद बुढ़िया माई मरकर भगवान के घर जाती है तो रास्ते में पोपा बाई का दरवाजा आता है। पोपा बाई ने बुढ़िया माई का रास्ता रोक लिया। तब बुढ़िया माई बोली कि आप कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है। तब पोपा बाई कहती है कि मैं पोपा बाई हूँ। तब बुढ़िया माई कहती है कि मैंने तो पूरे व्रत धर्म सारी चीजें की है। तब पोपा बाई ने कहा कि तूने सब प्रकार की पूजा पाठ करी, सभी व्रत किए, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं किया। तब बुढ़िया माई कहती है कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं आपका व्रत नहीं कर सकी, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए और आप मुझे बताइए कि आप कौन हो और आपका व्रत कैसे किया जाता है। तब पोपा बाई कहती है कि मैं पोपा बाई हूँ, मेरा सीधा साधा व्रत है। आप धर्मराज जी की कहानी सुनते हो तो उसी समय मेरी भी कहानी सुनकर व्रत करो और मेरा उद्यापन बहुत ही सरल है। आप एक कासी की कटोरी ले लीजिए और एक खोपरे को काटकर उसकी दो कटोरियां बनाकर एक में तिल और एक में राई भरकर गुप्त दान रखकर किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान करिए, बस इतना सा मेरा उद्यापन है। तब बुढ़िया माई ने कहा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आप कृपा करके मुझे 7 दिन के लिए धरती लोक पर वापिस भेज दीजिए, मैं आपकी कहानी सुनूंगी और आपका धूमधाम से उद्यापन करके वापिस यहाँ आ जाऊंगी। तब पोपा बाई ने बुढ़िया माई को वापिस 7 दिन के लिए धरती लोक पर भेज देती है। धरती लोक पर आते ही बुढ़िया माई पोपा बाई की कहानी सुनती है और उसका उद्यापन करती है। और उद्यापन के 7 दिन पूरे होने के बाद जब बुढ़िया माई स्वर्ग जाती है तो पोपा बाई दोनों हाथ फैलाकर बुढ़िया माई का स्वागत करती है। और पोपा बाई की कहानी सिर्फ 7 दिन सुनकर और उद्यापन करने से बुढ़िया माई को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, पोपा बाई की कहानी बिल्कुल छोटी सी है और इसका उद्यापन बहुत सीधा साधा है। तो आप जब धर्मराज जी की कहानी सुने उसका उद्यापन करें, तो साथ ही में आप पोपा बाई की कहानी सुनकर उसका भी उद्यापन कर दीजिए, नहीं तो पोपा बाई रास्ता रोक देगी, इसलिए आप पोपा बाई का उद्यापन जरूर करिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल भक्ति ट्रेनिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।